वाराणसी के थाना चौक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जालसाजी करने वाले तीन लोगों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। पकड़े गए तीन अभियुक्त में रमेश शर्मा, सुनील शर्मा, सौरभ उर्फ गोपी शर्मा शामिल है। खासकर बुजुर्गों को बनाते थे ये लोग अपना निशाना। पुलिस ने पकड़े गए जालसाजों के पास से एक कट्टा, दो मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मृतक के खुला नुदा कपड़े, मृतक का बैग व चेक बुक बरामद की। पकड़े गए अभियुक्तों में सुनील शर्मा काफी शातिर अपराधी है। सुनील शर्मा के ऊपर बरेली, पीलीभीत, उत्तराखंड व उसके आसपास के जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फेसबुक व सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से बुजुर्ग लोगों को दोस्त बनाकर उन्हें बहला फुसला कर अपने विश्वास में लेने के बाद सेक्सुअली रिलेशनशिप का लालच देकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। ऐसा ही वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत 20 जनवरी को एक बुजुर्ग से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की और फिर उनका अपहरण कर पीलीभीत ले गए और वहां उनसे पैसों की डिमांड करने लगे। पैसे न देने पर उनकी हत्या कर शव को पीलीभीत के जंगलों में इन्होंने फेंका था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए इनको गिरफ्तार किया। सर किस तरह का ये बताओ, चौक थाने के पुलिस के द्वारा आज एक बड़ा वर्कआउट किया है। इसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक सुनील शर्मा, रमेश शर्मा और सौरभ गोपी के तीन अभियुक्त है। इनके द्वारा एक जघन्य अपराध किया गया है। इनके द्वारा एक इसी जनपद में रत्नाकर पांडे नाम के एक व्यक्ति थे। इनसे इसमें से सुनील शर्मा के द्वारा फेसबुक के माध्यम से पहले मित्रता की गई और उसके बाद ये उनके घर पे आके रहा। उनके घर पे आने पे इसके द्वारा इनको घुटने का कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके घुटने का इलाज, आयुर्वेदिक इलाज अच्छा कराऊंगा इस बहाने ये इनको पीलीभीत लेके गया और पीलीभीत में इसके द्वारा इनके खाते से 55 लाख रुपए में से कुछ पैसा निकलवाने की कोशिश की गई। कुछ चेक्स पे भी उनके द्वारा साइन किया गया, परंतु जो मृतक है उनके द्वारा चेक पे गलत साइन किए गए जिसके कारण वो पैसा ड्रॉ नहीं कर पाया। जब इसको समझ में आया कि हमें पैसा नहीं मिलेगा तो इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। इसके द्वारा 29 तारीख को इनकी हत्या की गई। इस संबंध में थाना चौक पे 31 जनवरी को अभियोग पंजीकृत हुआ था और उस अभियोग की ही विवेचना पुलिस कर रही थी। कुछ जानकारियां पुलिस को मिली थी पर सर्विलांस से रिलेटेड इनपुट्स डेवलप करने में टाइम लगा और आज जाके उस घटना का पूरा खुलासा हुआ है और इन तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मृतक के खुनालुदा कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद हो चुके हैं। इनके द्वारा जंगल में ले जाके इनकी हत्या की गई और हत्या से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको छिपाया गया। पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी इसमें मिली है। इसमें इनसे पूछताछ में ये भी जानकारी हुई कि इनके द्वारा आइडेंटिफाई करके जो बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं उनके साथ वार्ता की जाती है फेसबुक में। इसके द्वारा अपने पत्नी का भी इसके लिए यूज किया जाता है, अपने पत्नी के भी माध्यम से ये उनसे बात कराता है और बाद में उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसा वसूलने का काम करता है। टारगेट्स भी बहुत ही सोच समझ के आइडेंटिफाई करता है। इस तरह से इसने कई लोगों को फंसाया है और उनसे ब्लैकमेलिंग करके पैसा लेने की बात जो है अभी तक जांच में जो है सामने आई है। ऐसे सभी लोगों के बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, पर अभी तक जो जांच की है उसमें लगभग 15 से 20 लोगों को इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार 15 से 20 लोगों को ये इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था। उनको सेक्सुअल फेवर देने के बहाने उनसे कुछ इस तरह की सेक्सुअली कंटेंट रहने वाली चैट या वीडियो कॉल्स करके भी इसके द्वारा उनका यूज किया जाता था। इस संबंध में भी हम लोग और विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अभी तक के विवेचना के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त रमेश शर्मा है। ये 302 का 2001 में एक अभियोग में इसको आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी और तब से ये पैरोल पे फरार चल रहा था। सुनील शर्मा के जो जांच की गई उसके अनुसार 3 मुकदमे हैं। एक 121/15 बरेली जनपद में कायम हुआ है और दूसरा 213/11 ये भी पीलीभीत जनपद में कायम हुआ है। तो एक बड़ा नेटवर्क जालसाजों का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और जिस तरह से ये लोगों को झांसे में लेके पैसे की वसूली कर रहे थे उसका भी खुलासा आज हुआ। सर क्या इनके ऊपर कोई इनाम वगैरह? इनके ऊपर कोई इनाम नहीं था, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनके नाम खुले हैं और उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी। सर ये हत्या की घटना को कब अंजाम दिए और कहाँ पे अंजाम दिए? ये पीलीभीत जनपद में ही वहाँ पे आसपास जंगल में जाके
इनके द्वारा हत्या की घटना की गई और 29 तारीख को ही इनके द्वारा ये घटना की गई। इससे पहले और कितने लोगों के इन लोगों ने किया अपहरण या हत्या? हत्या की तो यही एक घटना इनके द्वारा की है, पर फेसबुक के माध्यम से लोगों को झांसा देके उनसे पैसा वैसा वसूलने के कई प्रकरण जो है अभी तक सामने आए हैं। अब इसमें से कितने प्रकरण रिकॉर्डेड है, कितने लोगों ने FIR दर्ज की, इसके बारे में अलग से हमें देखना पड़ेगा। सर, ऐसे मामले में ज़्यादा तत्परता दिखाने की जरूरत है क्या अभी पुलिस के अंदर? यहाँ तक पुलिस की एफर्ट है वो पिछले कई दिनों से चल रहा था, पर आप भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही शातिर आदमी है, ये इतना आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं है। ये कई तरह से फ्रॉड करता था, अपने मोबाइल कई बार बदल देता था, इस वजह से इसके उसके तक पहुंचने में पुलिस को काफ़ी टाइम लगा और बहुत एफर्ट करने के बाद ही वहां तक हम लोग पहुँच पाए।